हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज मैं आपको अपना छोटा सा स्ट्रॉबेरी का बगीचा दिखाऊंगा। मैं देखिए, ये कुल मिला के 36 प्लांट्स हैं और आप देख सकते हैं इनमें स्ट्रॉबेरीज लगी हुई हैं, कुछ पक भी रही हैं। जैसे कि ये प्लांट्स हैं, ये जो 6-7 प्लांट हैं इनमें मैंने इनके जो फूल हैं इसके मतलब इस तरह के जो भी फूल आते थे वो मैंने उनके उखाड़ दिए हैं। ऐसे करके इससे ये फ़ायदा हुआ है कि इनकी ग्रोथ ज़्यादा बढ़ गई है। इनका साइज देखिए, इनमें कोई प्लांट नहीं मैंने लगने, इनमें कोई मैंने फ्रूट लगने नहीं दिया, इसलिए इनकी साइज देखिए, इसकी साइज छोटी है, इसमें प्लांट्स इसमें फ्रूट्स लगे हुए हैं पर इसकी साइज़ छोटी है क्योंकि मैंने इसके फ्रूट्स नहीं उखाड़े थे। इनकी बड़ी है क्यों, इनमें कोई फ्रूट नहीं है, इनकी सारी एनर्जी जो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में जा रही है। ये मैंने एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर देखने के लिए लिया था कि फ्रूट्स और बिना फ्रूट्स वाले कितने जल्दी बढ़ते हैं। इसमें मैंने ये पाया कि जिन प्लांट्स में फ्रूट हैं लग जाते हैं जल्दी, वो प्लांट की ग्रोथ कम होती है। जैसे कि इनमें मैंने फ्रूट कोई लगने नहीं दिया, सबको मैंने निकाल दिया, इनकी ग्रोथ बढ़िया हो गई, लीव्स वगैरह वेन्स साइज काफ़ी बढ़ गया। इनमें मैंने फ्रूट लगने दिया, इनका साइज थोड़ा घट रहा पर इनमें फ्रूट लग रहे हैं। इसका दोस्तों ये फ़ायदा है कि जब आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अच्छा हो जाता है तो उसके बाद इन पे जब हम फ्रूट लगने देंगे इन पे बहुत अच्छी ग्रोथ हुई फ्रूट की और इनका साइज भी बहुत बढ़िया है। इसमें अभी वीड्स वगैरह काफ़ी हैं, जैसे इस तरह के वीड्स, इनको मैं निकालना पड़ेंगे क्योंकि इनकी वजह से प्लांट्स में डिजीज़ काफ़ी आ जाते हैं, फंगल डिजीज़। थोड़े बहुत इनका साइज में फ़र्क पड़ जाता है, फंगल डिजीज़ का अटैक होने के ज़्यादा आसार हो जाते हैं अगर इनमें वीड्स ज़्यादा हो जाए। और जैसे मिक्स क्रॉपिंग में हमने इसमें जैसे ये गुलाब का पौधा लगा दिया है, बस ऐसे ही गुलाब के पौधे लगाए हुए हैं इनमें हमने। ये भी देखिए दोस्तों, ये भी एक गुलाब है यानी कि रोज़, ये भी एक रोज़ का प्लांट है, ये भी एक रोज़ का प्लांट है। ये बाकी हमारी और क्रॉप्स हैं और मिक्स क्रॉपिंग करी हुई है हमने स्क्रीन हाउस में, वो हम आपको अगली वीडियो में दिखाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।